मनरेगा कानून के तहत कार्य समाप्ति के 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए, परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के धरसौना गांव निवासी सोनी देवी सहित कुल 50 मजदूरों का 50 दिन की मजदूरी कार्य समाप्ति के 12 महीने बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। मनरेगा मजदूरी कैले रही तब कहली तब प्रधान कहा कि चला पैसा लगा देब, मगर प्रधान ना लगो ना अभी तक पैसा हमारा ना लगा। कितना दिन की थी? 20 दिन समझल जा रोडे पर, 8 दिन करिया खेती में लगल हन, और दर भवानीपुर में 17 दिन कैले रही, एको पैसा हम लोग का मजदूरी ना आयल। इनसे ले लेके हम अपन काम चलौली, इनसे लेके अपन दर दवाई कैली, भैया बहनी सबसे मंगली, प्रधान के घरे भी आके कली रोली, अपन गिर गेली, अपन दुख सुनौली, तब भी ना सुनल ना सुनल ना अपन बच्चा लेके इधर उधर इधर उधर परेशान खूब भय। कम से कम 2 महीना तक हमने एकदम परेशान, हॉस्पिटल में तो 1 महीना एकदम टोटल एकदम 50 दिना कुल पैसा रुकल हौ। तो बतावा कि हमने कहा कुल त्यौहार बिगड़ जाता, बतावा हमने का करी, अब एक हमने के कौनो बहन जी अकील बतावा कि कैसे पैसा हमने का निकली। हमने बहुत परेशान हो गई, ब्लॉक पर गईली, कार्य सेवक केहन गईली, प्रधान केहन गईली, के हमने का समस्या हल ना कई। जो हमारे यहाँ काम किए हैं उनका सारा पैसा भेज दिया गया है, जो अन्य गांवों में काम किए हैं हमारे ग्राम सभा के लेबर, अब उसकी हमें जानकारी नहीं है कि उनका पैसा गया है कि नहीं गया है। जो हमारे स्तर से था वो हमने भेज दिया है, क्योंकि हमने अपने स्तर से खंड विकास अधिकारी को लेटर लिख दिया है कि इतने लोगों का पैसा इतने इतने दिनों का रुका है, अब उसके बाद अब आगे की पैसा इन लोगों की किस गांव में किए हैं किस गांव में नहीं किए हैं हमें इसकी क्या जानकारी है। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप चोलापुर वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-52-89 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इन सभी मजदूरों के मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।